हेलो दोस्तों, वेलकम टू सटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी सटेक पे। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश की नवनियुक्त शिक्षक भर्ती के संबंध में। उत्तर प्रदेश की नवनियुक्त शिक्षक भर्ती जब से निकाली गई तब से विवाद में घिरी रही, लेकिन बात करते हैं आज की अपडेट के बारे में, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है अभ्यर्थियों के मन में कि जिन अभ्यर्थियों को ग्रेस नंबर मिले क्या वो अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, क्या वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और बाहर होंगे तो किस कंडीशन में बाहर होंगे और कौन अभ्यर्थी बाहर नहीं होंगे बात करते हैं। तो बात करते हैं 800 लिस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और 800 की लिस्ट जो है निकाली गई उसका जिला अनुसूची और नियुक्ति कब तक शुरू होने की संभावना है, तो बात करते हैं। तो बात करते हैं कोर्ट आदेश की, यहाँ पर जो है कि कोर्ट का इस पर जो आदेश आया था उस पर यहाँ पर जो विभाग कार्य कर रहा है। बात करते हैं कि जो अभ्यर्थी किस नंबर पाए वो किस प्रकार से बाहर किए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं कि एक शासनादेश जारी किया गया जो कि बीएससी विभाग से है। बात करते हैं वो शासनादेश किसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले एक शासनादेश के बारे में। तो दोस्तों ये वो शासनादेश जारी किया गया, यहाँ पर लिखा गया है प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समझ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश पत्रांक संख्या यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया डेट लिखी गई है 5/6/2022, यहाँ पर लिखा गया सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, ठीक है। ये दोस्तों एक शासनादेश जारी किया गया जो कि यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग से जारी किया गया है, बौद्धी प्रताप सिंह बघेल सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पर ये जो अभ्यर्थियों मन में सवाल है कि ये पत्र किसके लिए जारी किया गया, दोस्तों यहाँ पर बता दें आपको ये जो पत्र है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका मतलब फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है पत्र जारी किया गया है इसका मतलब ये है कि प्राथमिक में और जूनियर में, ठीक है, उच्च प्राथमिक में, ग्रामीण क्षेत्र में और नगर क्षेत्र में कितने अभ्यर्थी अध्यापक कार्यरत हैं उनके बारे में पर ब्यौरा मांगा गया है। और ये जो है इसकी लास्ट डेट है वो 7 तारीख यानी आज इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती बात करें दोस्तों यहाँ पर उसके लिए तो नहीं फिलहाल, लेकिन यहाँ पर हो सकता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है आ सकती है क्योंकि सरकार भी इस पर कार्य कर रही है, लेकिन सरकार अब कब तक ये वैकेंसी निकालेगी ये तो आने वाले वक्त ही कन्फर्म होगा। लेकिन ये जो पत्र है वो फिलहाल जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बारे में है, ठीक है। बात करते हैं उन अभ्यर्थियों की जो अभ्यर्थी ग्रेस नंबर पा करके चयनित हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने जैसे कि आपका सुपर टेन में जो फॉर्म फिलअप किया था तो उसमें जैसे मान लो किसी का अभ्यर्थी का अगर हाई स्कूल या 12 में जो है ग्रेस नंबर मिले, पहले ग्रेस नंबर मिला करते थे, अगर उसको ग्रेस नंबर मिले हैं और वो काउंट कर दिया जाए, जैसे मान लो आपके कुछ भी नंबर हैं 500, 510, ठीक है, मान लो 510 नंबर हैं आपके, ठीक है, हाई स्कूल में, ठीक है। अगर उस नंबर को आपने काउंट किया, ठीक है, 510 नंबर हो गए आपके मान लीजिए, और लेकिन एक विषय में आप फेल हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको एक नंबर या दो नंबर कॉमन जो गेस नंबर मिला है, ठीक है, और पाँच टोटल नंबर कितना हो रहा है, टोटल नंबर हो रहे हैं आपके 510, ठीक है, प्लस एक नंबर गेस का हो गया तो आपके कितना हो गए 511 नंबर हो गए, ठीक है। अगर आपने वहाँ पर सुपर टेट फॉर्म फिलअप करते समय अगर 511 नंबर भर दिया तब यहाँ पर जो है आपको बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर विभाग साफ कहा है कि हाईकोर्ट ने भी कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर त्रुटि हुई, मानवीय त्रुटि हुई वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से जो मेरिट प्रभावित होती है तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो बाहर किया जाएगा। तो अगर आपकी जो है मेरिट प्रभावित हो रही है, ठीक है, तो आपको बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है। और जो अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो नंबर कम भर दिए थे वो अभ्यर्थी बाहर नहीं होंगे, ठीक है, या फिर वो अभ्यर्थी भी बाहर नहीं होंगे जिन अभ्यर्थियों को किस नंबर मिले लेकिन वो अभ्यर्थी अपने किस नंबर को जोड़ के वहाँ पर फिलअप नहीं किया है। जैसे कि वालों किसी का गेस मिला 510 नंबर है, ठीक है, उसको गेस मिला तो 511 नंबर हो गए, लेकिन उसने नंबर कितने फिलअप किया है, उसने फिलअप किया नंबर 510 ही नंबर, तो उसको यहाँ पर जो है बाहर नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर उससे मेरिट प्रभावित नहीं हो रही है। लेकिन अगर उसने यहाँ पर जो 510 की जगह 511 नंबर भर दिया तब यहाँ पर जो है उसको बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पर जो है आपको देखने को भी मिला था, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर जो हाईकोर्ट की तरफ से भी आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और पिछले साल जो है सरकार ने भी यहाँ पर जो शासनादेश जारी किया था कि अगर मेरिट प्रभावित होती है तो उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा, अगर मेरिट प्रभावित नहीं होती है तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों तो इसका सीधे और सीधे यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित हैं वेतन पा रहे हैं उन अभ्यर्थियों के यहाँ पर जो है थोड़ी दिक्कत हो सक्ती है। हालांकि सरकार इस पर अपना स्टैंड एक बार और क्लियर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है मानवीय त्रुटि है और गेस नंबर यहाँ पर सरकार ने ही दिया है, तो इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। अगर बात करें 800 पर इफेक्ट वाली तो दोस्तों यहाँ पर जो है उस पर अगर कोई अभ्यर्थी है तो वो भी अभ्यर्थी बाहर होगा क्योंकि यहाँ पर जो है सीधे और सीधे
विभाग का कहना है कि अगर मेट प्रभावित होती है तो उन्हें अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता करने दिया जाएगा। वही दोस्तों अगर बात करें कि 800 की काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की तरफ से पूरा प्रयास जारी है, हो सकता है 100 दिन भीतर यहाँ पर मुख्यमंत्री सर से भी मुलाकात हो सकती है। और अगर इस पर कुछ अपडेट निकलती है, माननीय मुख्यमंत्री सर से अगर मुलाकात होती है या कुछ भी अपडेट निकलती है तो आपको जानकारी देंगे। लेकिन इतना कन्फर्म है कि यहाँ पर जब तक ये मैटर जो कोर्ट में है तब तक आपकी नियुक्ति होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब भले इस पर रोक न लगी हो लेकिन अब विभाग जो कहता है साफ साफ कि मैटर कोर्ट में, इसलिए इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपकी डेट लगी है वो 12 जुलाई लगी है, 12 जुलाई को अब सरकार किस प्रकार से अपना पक्ष रखती है तो आगे वाले व्यक्ति बताएगा। लेकिन जो है आपकी नियुक्ति होगी वो थोड़ा समय लग सकता है, नियुक्ति भी होगी लेकिन थोड़ा इसमें समय लग सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।